आपके फीट का पी नहीं बनाना चाहिए, जितना आपका हिप का गैप है उतने ही आपने फीट ओपन कर राइट आर्म साइड बाय साइड मोर अप रीच अप एंड रेज वन टू स्माइल थ्री फोर हम वही आसन करेंगे सब कर सकते हैं नाउ स्टार्ट क्लॉक वाइज वन टू थ्री फोर एंड फाइव रिलैक्स योर राइट आर्म रेज योर लेफ्ट आर्म साइड बाय साइड मोर अप एंड रोटेट वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंटी क्लॉक वाइज जिनको फ्रोजन शोल्डर होगा उनकी आर्म पूरी पीछे नहीं जाएगी तो उसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिस होती हैं वो हम आपको किसी और दिन करवा देंगे बट अभी आप उसको अच्छे से रोटेट करने की कोशिश करें एंड लास्ट रिलैक्स arms are shoulder level again cross your arms one two lose your upper body three four five six very good join your body go forward and back feel your scapula bone feel your shoulder blades come closer and open now arms are shoulder level inch along behind your back stretch your arms जितना कर सकते जो सिर्फ इंटरलॉक कर सकते उतना ही करेंगे ओके तो आप धीरे धीरे बेंड कर सकते हैं जिनको लगता है बैक पेन है वो भी बेंड कर सकते हैं आपके इसको कुछ नहीं आगे नहीं झुकना है इसको कुछ कीजिए पीछे स्लोली स्लोली बेंड फॉरवर्ड झुकी थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा जो पूरा जा सकते हैं पूरा जाइए एंड होल्ड अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी से दूर कर दीजिए शाबाश फाइव Four, three, two, one point five, one point four, one point three, two, inhale, come up. Now release your arms and shake your arms. Dorsi. Very good. Now open your legs, आपने कोशिश करनी है कि मैट से बाहर आपके फीट आए ऐसा नहीं करना कि आधा मैच मैट के ऊपर है आधा नीचे बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप ओके ओपन किया जितना मैक्सिमम आप हो सकते हो चलिए आप जो शोल्डर लेवल राइट हैंड से आप अपने लेफ्ट नी को टच करना है तो इससे ज्यादा झुक सकते हैं वो नीचे टच करेंगे ओके नाउ स्लोली स्लोली Yes. सांस लेते हैं ऊपर आना है इसको फास्ट नहीं करेंगे आप गुड ब्रीदिंग एक्सहेल डाउन इनहेल अप एक्सहेल डाउन ब्रीदिंग के साथ करेंगे इनहेल अप एक्सहेल डाउन इनहेल अप एक्सहेल डाउन इनहेल अप फोर्स नहीं करें अपनी बॉडी को जितना आप झुक सकते हैं उतना चाहिए वेरी गुड इनहेल अप वेरी गुड अपनी लेग्स को अपनी नीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो अब मैं जब बेंड करूंगी तो कोशिश करें आपका नी और एंकल मान पाएंगे एंड बेंड बहुत अच्छा गुड स्टे देयर एंड लुक एट योर राइट हैंड शाबाश वन बहुत अच्छे टू थ्री वीर भद्रासन वॉरियर पोज फोर एंड फाइव राइट नी को बैंड ही रखना है आपको फिर से आप जो होंगे अब डोर को पुश कर लेते हैं थोड़ा सा वन वेरी गुड राइट 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 साइड टू वेरी गुड थ्री थोड़ा होल्डिंग नहीं कर सकते ज्वाइंट की मूवमेंट्स बहुत मस्त है आपको लगता है आपके नीज काम नहीं कर रहे तो आपको ये मूवमेंट्स कभी बंद नहीं करनी एंड रिलैक्स राइट फुट इन अपने टोर्स को इन करेंगे हील्स में ही रहेंगे आपके ठीक है नाउ लेफ्ट फुट अप आपने लेफ्ट टोर्स अप करने हैं लेफ्ट नी को बेंड कीजिए आर्म्स एट शोल्डर लेवल एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड स्टे हियर फाइव फील योर मसल्स आर स्ट्रेच
आपने वो स्टार्ट पहले कर दें, सांस लेते हुए आपका घर काम होना चाहिए। Okay, and so it's the first 8 seconds.
एक बार और ओपन करेंगे लास्ट टाइम।
नोटे आपको अपने बच्चों को याद कीजिए फॉरवर्ड एंड बैक इट विल स्ट्रेंथन योर स्पाइन वेरी गुड जितना हो जाए रोज किया करें अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए वेरी गुड 10 9 8 और जोर से 7 लुड जेंटर 6 5 स्पाइन के बिना करोगे तो नहीं होगा 4 3 2 साइड टू साइड राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट शाबाश राइट टू लेफ्ट मजा आएगा मैम मैम चलिए शाबाश आप इसको अच्छा डांस करती है चलिए शाबाश 5 4 3 2 एंड टक्कर नहीं मारने को रिलैक्स दूसरी की निकालिए प्लीज चलिए अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए सांस ले लीजिए अच्छे से Your awareness on your toes.
पूरे शरीर में महसूस कीजिए। Grateful, it is the honor being with a small token of love. I will return.
बच्चों को बुला एक जोरदार ताली से। होशियारपुर एक ऐसी जगह है जहां से ये बांसुरी की धुन आ रही है। वहां हर तीन घर छोड़कर एक मंदिर था। जब मेरा जन्म हुआ तो उसके 15 साल तक मैंने ये अनुभव किया कि हर तीन से चार घर छोड़कर एक मंदिर है, बौड़ियों की स्थली है, और जहां मेरी पैदाइश हुई वहां नदी का किनारा, सूरज का उजाला और जैनियों का मंदिर और हर तरह का गुरुद्वारा का अनुभव मैंने उस बचपन में किया। बहुत बहुत शुक्र है श्री शुभा श्री शरद सिंह जी, आपका यहाँ आने से आप मुझे अपनी जन्मस्थली पर ले गए। यूं तो मुझे 30 वर्ष हो गए हैं वहाँ गए हुए, पर आपकी ये धुन अब मुझे वहाँ लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर अनुभव था। और अब ये हमारे लिए लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसा गायन जो फिर से परमात्मा